अन्य से चेक द्वारा पैसे उधार में लिए थे, जिनको मैं आधी रकम लौटा दी, लेकिन मेरे चेक वापस नहीं लौटा रहे थे, जिसने मेरे पैसे बकाया नहीं दिए, नहीं देने पर मैं आपके यहाँ रिपोर्ट करने आया हूँ। उसकी सदर कोतवाली थाना और क्लॉक टावर थाने में दो अलग अलग धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज। उधार ली गई रकम के बदले दिए गए चेक नहीं लौटाने पर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा, तो वहीं घोड़ी खरीदने वाले लोगों द्वारा पैसे नहीं चुकाने पर क्लॉक टावर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सदर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद ने दर्ज हुए प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि सदर कोतवाली थाना अंतर्गत हाथीबाटा में रहने वाले परिवादी सुनील कुमार गुप्ता ने थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उसने वर्ष 2016 में अप्रार्थी महेंद्र सिंह व अन्य से 17 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसके बदले उसने चेक अप्रार्थीगण को दिए थे। उसके द्वारा रकम लौटा दिए जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा उसे चेक नहीं लौटाए जा रहे, जिस पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। कल दिनांक 27/4/2022 को परिवादी श्री सुनील कुमार गुप्ता निवासी हाथीबाटा अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि 2016 में मैंने अपराधी श्री महेंद्र सिंह व अन्य से चेक द्वारा पैसे उधार में लिए थे, जिनको मैं आधी रकम लौटा दी, लेकिन मेरे चेक वापस नहीं लौटा रहे। इस बाबत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जैसी कार्रवाई सामने किसके खिलाफ कराया और कितने पैसों का मामला है? ये 17 लाख लगभग बता रहे हैं, श्री महेंद्र सिंह वगैरह के खिलाफ। कुमार परिवादी का परिवादी सुनील कुमार गुप्ता देने वाला कहाँ का? हाथीबाटा। किस किस काय के पैसे दिए थे? कुछ उधार पैसे। वहीं क्लॉक टावर थाने के एएसआई भीम सिंह ने दर्ज हुए प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि रावण की बगीची में रहने वाले परिवादी सोनू सिंह ने बगरू निवासी अप्रार्थीगण कैलाश सिंह, मोहम्मद आरिफ, आसिफ और नीतू सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया कि अप्रार्थीगण कैलाश सिंह, मोहम्मद आरिफ, आसिफ और नीतू सिंह ने उसकी घोड़ी का सौदा 87,000 रुपये में किया था, जिसके बदले 40,000 रुपये नकद दे दिए गए, बाकी के 47,000 रुपये 25 अप्रैल को देने थे, लेकिन अप्रार्थी गण द्वारा बकाया पैसा उसे नहीं दिया जा रहा, जिस पर मुकदमा नंबर 104/22 IPC की धारा 420-120B में दर्ज कर केसरगंज चौकी प्रभारी दयानंद द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कल परिवादी श्री सोनू सिंह रावण की बगीची अजमेर का थाने पर उपस्थित आया, वह एक रिपोर्ट कैलाश सिंह, मोहम्मद आरिफ, आसिफ, नीतू सिंह निवासी बगरू के खिलाफ पेश की कि मेरी घोड़ी ये तीनों व्यक्ति खरीदने आए थे, जिससे हमारा 87,000 रुपये का सौदा तय हुआ था, जिसमें मुझे नगद 40,000 रुपये दे दिए गए थे और 47,000 रुपये शेष 25/4/2022 को देने थे, जिसने मेरे पैसे बकाया नहीं दिए, नहीं देने पर मैं आपके यहाँ रिपोर्ट करने आया हूँ। उसकी रिपोर्ट पर हमने मुकदमा नंबर 104 धारा 420-120B में दर्ज कर चौकी इंचार्ज श्री दयानंद जी केसरगंज के जिम्मे जांच की है, जांच जारी है, जैसी स्थिति होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।